हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है और आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ दो अलग अलग डिफरेंट तरीकों से न्यू फ्रेंच रोल बन हेयर स्टाइल। तो आपने एक तो सबको पता होगा, लेकिन दूसरा जो है वो थोड़ा बिल्कुल अलग है, अभी तक शायद किसी ने नहीं बताया होगा। तो वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट लेते रहिए। तो इस तरीके से मैंने बालों को लिया था और इस तरीके से ट्विस्ट किया, ट्विस्ट 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 करते करते पूरा बालों को एकदम टाइटली ट्विस्ट कर लिया। उसके बाद से यूपिन लिया है, यूपिन को साथ के साथ इस तरीके से लगाते जाएंगे, जिससे कि आपके बाल जो हैं वो ईजिली होल्ड हो जाएंगे। और ये वाला फ्रेंच रोल तो आई थिंक सभी लोग जानते होंगे, बट बताना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज मैंने आपको बहुत ही ईजी तरीका बता दिया है ये फ्रेंच रोल बनाने का। आपको कैसा लगा ये तरीका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सेकेंड तरीका है वो भी बता रही हूँ, लेकिन इससे पहले आप ये रोल बनाने के बाद से यूपिन को अच्छे से सेट कीजिए, फ्रंट से बैक से कहीं से भी बाल अनमैनेज ना दिखे, बालों को अच्छे से मैनेज कर लीजिए। और जो लुक आएगा, ये मैंने बहुत ज़्यादा ऑयलिंग कर रखी है बालों में, तो तेल लगे हुए बालों में भी आप ये हेयर स्टाइल कर सकते हो। अगर आपने बाल धो रखे तब तो कोई बात ही नहीं है, बट आज था थर्सडे, तो थर्सडे को मैं हेयर वॉश नहीं करती हूँ। तो आज मैंने इस तरीके से हेयर स्टाइल सोचा कि क्या बताऊँ ऑयली बालों में, तो मैंने ये दोनों हेयर स्टाइल ट्राई किया और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। तो सेकेंड फ्रेंच रोल बन के लिए आपको करना क्या, आपको आधे आधे बालों की पार्टिंग कर लेनी है और इस तरीके से ट्विस्ट करना है नीचे की तरफ से, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको ट्विस्टिंग करनी है और इसको होल्ड करने के लिए मैंने अपने मुंह में इस तरीके से दबा लिया था। आप कोई और तरीका भी अपना सकते हो, बट मुझे ये इजी लगा तो मैंने इस तरीके से कर लिया। फिर दूसरी साइड के भी आधे बालों को इस तरीके से लिया है एंड अच्छे से ट्विस्टिंग करेंगे और ये इस तरीके का टाइटली ट्विस्टिंग करना है। दोनों ट्विस्टिंग को इस तरीके से आप देखिए, दोनों ट्विस्टिंग हमने कर ली है, बिल्कुल टाइटली करना। फिर दोनों को आपस में जोड़ देंगे एंड अपर से सारे हेयर को अंदर की तरह इंसर्ट करते हुए और हेयर को हाइड करते हुए यू पिन से इनको सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा बन आपका बन के यहाँ पे रेडी होगा। इसको आप साड़ी पे भी कर सकते हो और सूट पहन रहे हो तो भी कर सकते हो, और गर्मियों के लिए तो ये दोनों हेयर स्टाइल बेस्ट है और काफ़ी स्टाइलिश भी लगते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने ऊपर में एक यूपिन लगा दिया था, उसके बाद से सारे बालों को हाइड करते हुए फ्रेंच बन के अंदर इंसर्ट करते हुए और इस तरीके से मैनेज करते हुए यूपिन से सारे बालों को सेट करेंगे। फिर इस तरीके से दोनों ट्विस्टिंग को आपस में जोड़ते हुए यूपिन लगाते जाएंगे, कुछ इस तरीके से एक हाथ से होल्ड करेंगे एंड दूसरे हाथ से यूपिन को लेंगे, दोनों सेंटर में एकदम लाके यूपिन को लगा देंगे। अब बचे हुए हेयर को अंदर अच्छे से इंसर्ट करना है और कुछ इस तरीके से दोनों ट्विस्टिंग को आपस में जोड़ते हुए यूपिन को लगा देंगे। तो आई होप कि आपको ये हेयर स्टाइल पसंद आया हो और ईजी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से तो बहुत ही इजी तरीका बताया है और ऑयली बालों में भी आप इसको कर सकते हो, लंबे बालों में, छोटे बालों में, सब में कर सकते हो। छोटे बालों में स्पेशली ये दोनों हेयर स्टाइल बहुत ईजीली बन जाते हैं, बट लंबे बालों में भी थोड़ी सी कोशिश करोगे तो बन जाएंगे। अब बारी आती है फ्रंट से, ये अच्छे से मैनेज नहीं होते, तो मैंने इसको इस तरीके से मैनेज करके एक यूपिन और लगा दिया था। तो ये था इसका फाइनल लुक, आई होप कि आपको पसंद आया हो। और कैसा लगा आपको हेयर स्टाइल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके की इजी हेल्पफुल हेयर स्टाइल ब्यूटी पार्लर कोर्स मेकअप और हेयर केयर से रिलेटेड